हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कलर मी ब्यूटीफुल कलम पिगमेंटेशन ट्रांजिलेकटिव सीरम इज द न्यूली लॉन्च फ्रॉम द डमाको दिस प्रोडक्ट हैज थ्री परसेंट ऑफ ट्रां एग्जामिक एसिड टेन परसेंट एजिलिक एसिड इट हैज पावर ऑफ टू एक्टिव्स व्हिच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन इट इज सल्फेट फ्री ड्राई फ्री पैरो फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री सो बेसिकली आप ये प्रोडक्ट को तब यूज करेंगे अगर आपकी स्किन पे मिलाजमा है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है एक्ने स्कार्स है या किसी भी तरह के दाग धब्बे आपके फेस पर हैं ऑल्सो अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा एक्ने प्रोन है तो भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला प्रोडक्ट है आपकी स्किन टाइप अगर ड्राई नॉर्मल एक्ने प्रोन, ऑयली कॉम्बिनेशन है या फिर सेंसिटिव हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं 30 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आपको 552 रुपीस में अवेलेबल है और इसकी जो बॉटल है वो पंप स्टाइल में है जो काफ़ी कन्वीनियंट है हमें यू नो यूज़ करने के लिए इस प्रोडक्ट की जो शेल्फ़ लाइफ है वो 24 फोर की है तो आप इसे बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा यू uh, नो you know, चलता है ये काफ़ी प्रोडक्ट बिकॉज आपको बहुत थोड़ा सा लेना होता है एंड ये बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है इस पम्प बॉटल से आप इसका टेक्सचर देख सकते हो बहुत ज़्यादा यू नो ये वाटरी सीरम लाइक नहीं है बट ये थोड़ा सा स्टिकी एंड थिक इन कंसिस्टेंसी है बिकॉज हाइलरॉनिक एसिड भी होता है तो थोड़ा थिक होता है ये उससे भी थोड़ा ज़्यादा थिक है तो यू नो डेफिनेटली बट आप इसे जैसे ही स्प्रेड करोगे ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा और आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा ईजिली ट्रानिक एसिड आपके हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन को भी चेक में रखता है एजिलेक एसिड से आपकी जो पोर्स है वो अनक्लॉग होती है एक्ने रिड्यूस होता है काफ़ी हद तक एंड एक्ने के जो स्कार्स हैं वो भी रिड्यूस होता है स्किन पर अगर कोई रेडनेस है इन्फ्लेम्ड स्किन है एक्जिमा जैसा वो भी इसमें काफ़ी कंट्रोल में आता है और आपको बहुत ही ईवन स्किन टोन मिलती है टेक्चर इसका स्टिकी है मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है अब हम इसे फेस पर अप्लाई करके देख लेते हैं ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही फ्रेग्रेंस फ्री है जब आपको ये प्रोडक्ट को अप्लाई करना है तो आपको पहले क्लेंस अपने फेस को कर लेना है अच्छे से देन अगर आप टोनर यूज करते हैं तो कर सकते हैं अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं देन आपको ये जो प्रोडक्ट है इसे अप्लाई कर लेना है और इसे पैट करना है थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा इसे मसाज नहीं करना है फेस पर और इसे पैट करने के बाद आप इसे छोड़ दें एब्जॉर्ब होने के लिए इस प्रोडक्ट को आप दिन में दो बार भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप सनस्क्रीन ना भूलें बिकॉज ये इसमें भी काफ़ी सारे एसिड्स हैं इस वजह से आपको सन प्रोटेक्शन मस्ट हो जाती है बट दो बार अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसे अप्लाई करना स्टार्ट करें या ऑल्टरनेट डे स्टार्ट करें जब आप कंफर्टेबल हो जाए यूज़ करने के लिए तब आप इसे डेली अप्लाई कर सकते हैं एंड या तो फिर आप इसे टू टाइम्स भी कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा अल्फ़ा आब्यूटिन भी है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट स्किन मिलेगी और आपकी स्किन टोन इवन हो जाएगी ऑल्सो थोड़ा सा इसमें नायासिनमाइड भी है फेरोलिक एसिड भी है जिससे आपकी स्किन का डैमेज रिपेयर होता है और आपको एंकने और पिम्पल फ्री स्किन मिलती है इससे आपकी एक्ने एक्ने मार्क रिड्यूस होते हैं सेंसिटिव स्किन वाले अगर आप हैं तो आप एक पैच टेस्ट जरूर करें और एक पॉइंट है जब आप इसे यूज करें तो आप कोई भी एल्कोहलिक क्लेंजर ना यूज करें या किसी भी तरह का एस्ट्रिंजेंट या पीलिंग एजेंट ना यूज़ करें ताकि यू uh, नो you know, आपको कोई रिएक्शन ना हो तो आप भी अगर मिलाजमा या पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन एक्ने स्कारने से डील कर रहे हैं तो आपको इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करना चाहिए फॉर फ्लॉलेस एंड ईवन स्किन टोन और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को बाय टेक केयर एवरीवन